कहा जाता है, किसी भी गांव में चौपाल का होना उसकी संपन्नता को बताता है। और अगर हम बात करें पानीपत के गांव नोहरा की, तो यहां अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग चौपाल बनाई गई हैं। अच्छा, यहाँ के रहने वाला ये गली सारी बनी हुई है पक्की, यहाँ से चुकड़े पक्की बनाई है सरपंच ने। अच्छा। सारा काम अच्छा कर रहा है, चौपाल भी हमारी बढ़िया बनाई हुई है। अच्छा काम हो रहा है सारा। इससे पहले क्या था? इससे पहले कच्चा थी, तो बस ईटे थी सिंपल, मतलब कार की जो टूटी हुई थी सारी जगह। अब बढ़िया काम हुआ है सारा पक्का। तो आप लोग खुश हो काम से? बिल्कुल खुश है। ठीक है, लेकिन अभी पिछले दिनों जो जिस तरह से खबर आई थी कि गांव में जो है जो सरपंच के ऊपर जो इस वक्त आपने भी करा होगा विकास कार्य को लेकर जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए थे, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो फिर गांव की वो दिना सरपंच को हटा दे छोड़ दे, पीछे सरपंच बनाएंगे और जगह आगे काटने वाली बात थी। काम तो जो बढ़िया करे हमारे लिए, तो बाकी जिन्हें जो कहना तो कहेगा ही। यहाँ के रहने वाला ये गली सारी बनी हुई है पक्की, यहाँ से चुकड़े पक्की बनाई है सरपंच ने। सारा काम अच्छा कर रहा है, चौपाड़ी भी हमारी बढ़िया बनाई हुई है। अच्छा काम हो रहा है सारा। इससे पहले क्या था? इससे पहले कच्चा थी, तो बस ईटे थी सिंपल, मतलब कार की जो टूटी हुई थी सारी जगह। अब बढ़िया काम हुआ है सारा पक्का। तो आप लोग खुश हो काम से? बिल्कुल खुश है। ठीक है, लेकिन अभी पिछले दिनों जो जिस तरह से खबर आई थी कि गांव में जो है जो सरपंच के ऊपर जो इस वक्त आपने भी करा होगा विकास कार्य को लेकर जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए थे, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो फिर गांव की वो दिना सरपंच को हटा दे छोड़ दे, पीछे सरपंच बनाएंगे और जगह आगे काटने वाली बात थी। काम तो जो बढ़िया करे हमारे लिए, तो बाकी जिन्हें जो कहना तो कहेगा ही। आपका नाम क्या है? जयपाल जी। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है इन 5 साल के कार्यकाल में जो सरपंच है उसने क्या काम अच्छे किए हैं? सारा काम अच्छा किया जी, हमारी पहाड़ी बना दी है, चुगरते की पीढ़ी बना दी, सारे नाले निकलवा दिए जी। बच्चे स्कूल में जाने है, दुखी होते थे हमारे सारे बच्चे, अब स्कूल में अच्छी तरह जाने लग गए जी। सरपंच ने बढ़िया काम करवाया जी हमारे लिए, गाँव में कुछ करवाया या नहीं करवाया, हमारी बस्ती में बढ़िया अच्छा काम करवाया। कश्यप चौपाल का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही ब्राह्मण चौपाल को पहले से बेहतर बनाने के लिए उसे समय समय पर मेंटेन किया जाता है। वाल्मीकि चौपाल की तो छटा ही निराली है। वाल्मीकि चौपाल को वास्तव में बहुत खूबसूरत बनाया गया है और इसी के साथ एक और कश्यप चौपाल का निर्माण भी किया गया है जिसमें मार्बल के फर्श को लगाया गया है और यह गाँव की ऐसी पहली चौपाल है जिसमें मार्बल का उपयोग किया गया है। इसी के साथ आगामी सरपंच चुनाव से पहले इसके निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने की उम्मीद भी जताई जाती है। प्लास्टर करवाया सारा, हाँ। बार भीतर का। अच्छा। रंग रोगन। अच्छा। पंखे लुआए, 6 पंखे लुआए हैं। हाँ। और जी ये कुआड़ कूड़ झांकी झुंकी सारी ये भी चढ़ी हैं, पहले कोई काम नहीं हो रहा था, ये पैड़ी चढ़वाई हैं और इन ये सारा बढ़िया काम करवा दिया जी। इसी के साथ अगर हम इस गांव की तरक्की की बात करें तो एक बैंक्वेट हॉल भी बनाया जा रहा है, जिसकी खास बात ये होगी कि इसे गांव के सभी वर्ग के लोग बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल कर सकेंगे और शादी ब्याह जैसे मौके पर हर परिवार इसे बेझिझक अपने उपयोग में ला सकेगा। और इस गाँव की सबसे निराली बात तो ये है कि पशुओं को अपने परिवार के सदस्य की तरह ही रखा जाता है, ऐसे में अगर वह बीमार हो जाएं तो उन्हें शहर या पास के गांवों में इलाज के लिए ले जाना पड़ता है। लेकिन गांव की सरपंच सरोज देवी के प्रयासों के चलते अब गांव में ही पशु चिकित्सालय का निर्माण शुरू हो चुका है, जिससे लोगों को अपने पशुओं को अब दूर नहीं ले जाना पड़ता। एकदम सुकून भरी जिंदगी तो बस गाँव में ही मिलती है, लेकिन आज के गाँव वो पहले वाले गाँव नहीं रहे। गाँव नोहरा पूरी तरह शौच मुक्त है, पीने के लिए ठंडा पानी, वही गांव में जगह जगह बैठने के लिए बेंच और गांव के नौजवान खेल स्टेडियम में हर सुबह दौड़ लगाते हैं और शाम के वक्त स्टेडियम में बनी पीच में क्रिकेट खेलते हैं और अपने स्टैमिना को बढ़ाते हैं। बात करें गांव की फिरकी की तो वहां की सड़क भी पूरी तरह से पक्की कर दी गई है। हमारे गाँव में बहुत हो गया, मेरी उम्र 58 साल की हो गई है, उदन से ये हमारी फिरनी जो गांव के चुगड़दे की है ये इसी सरपंच साहब ने बनाई है, नहीं आज लग जो भी सरपंच बना इसे पीछे भी बने पहले भी बने किसी ने इसमें कोई भी कार्य नहीं किया। और इस तरह से कुल मिलाकर 36 से ज्यादा गलियों को पक्का किया गया है, नालियों का सही इंतजाम किया गया है, नलकूप लगवाए गए हैं गांव में। भाई साहब
बढ़िया काम हो रहा है। सरपंच साहब ने बहुत विकास कराया है, मतलब इससे पहले सरपंच ने जो काम छोड़ दिया था ना वो सारा इस सरपंच ने कराया है। और जो यहाँ को तो बहुत बुरा हाल था, जहाँ आप खड़े हो इस टाइम, यहाँ को तो कई साल से बुरा हाल था, कोई सरपंच काम नहीं कर रहा था, तो इस सरपंच ने यहाँ का काफ़ी सुधार किया है और काफ़ी गाँव की तरक्की भी करी है, बढ़िया विकास हो रहा है। वहीं गांव नोहरा को गांव आसन से जोड़ती सड़क को पक्का करने का कार्य भी अभी जारी है। और आइए जानते हैं क्या कहते हैं इस गांव के लोग। गांव में हमारे अच्छा विकास हो रहा है, इतना विकास पहले सरपंचों ने किया है, जो विकास अब सरपंच कर रहा है बहुत अच्छा विकास कर रहा है। जो ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते पे कभी भी आने जाने का कोई भी साधन नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब यहाँ से गाड़ी भी निकल रही है, नोरा से सीधा आसन जा रहा है। यहाँ से आप जींद भी जा सकते हो, सपिदो भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। और यहाँ से पहले पैदल भी आदमी निकल नहीं सके था, अरे भी इतना अच्छा काम हो गया। यहाँ से गाड़ी भी जा रही है, ट्रैफिक भी चलती है, यहाँ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। और पहले से भी अच्छा काम सरपंच कर रहे हैं। गाँव में कुछ शरारती तत्व है, इनके बारे में उल्टे सुलटे लगाते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं है। उन्होंने शाम में ठंडा पीना है, एक मोगरी उठा लेते हैं वो बोतल, वो पीनी है और आनंद करना है, सरपंच के पीछे लग जाना है। जो कुछ काम करते हैं उस काम को ओढ़ नहीं देते हैं। धन्यवाद, ये कहना चाह रहे थे जी। दोनों तरफ के दो सरपंच ने इसी प्लान में दोनों नाले बनवाए, सड़क बनवाई, स्टेडियम बनवाया और वेटनरी हस्पताल बनवाया। और दोनों जो डेरे हैं छोटे छोटे गाँव के, कांचीडे एक कांची का डेरा एक राजू वाला, दोनों में चारों तरफ की गलियाँ बनवाई है और दोनों में पंचायत घर है दोनों में। गाँव का इतना विकास हो, चारों तरफ की फिरने बनाई है, गाँव की इतना विकास है, बहुत अच्छा विकास कार्य है सरपंच के इस प्लान में। बहुत इतना विकास हमने पहले कभी नहीं देखा। वो कुछ थोड़े बहुत शरारती तो जो अपना निजी थोड़ा बहुत काम के लिए अपना तंग करते रहते हैं, ये काम और वो काम, बहुत अच्छा काम है, इससे अच्छा सरपंच आना ही नहीं है। किसी भी गांव की खुशहाली का प्रतीक होता है वहां पर जो सड़कें हैं वो पक्की होनी चाहिए, वहीं बिजली की जो सुविधा है वो पूरी तरह से जरूर मिलनी चाहिए। तो ऐसे में अभी दिखा रही हूं मैं आपको पावर हाउस नोहरा गांव का। ये देखिए आप इस समय यहां इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम 33 KV सब स्टेशन नोहरा पानीपत। ये इस गाँव का जो है पावर हम आपको दिखा रहे हैं, पावर हाउस दिखा रहे हैं, वक्त हम आपको यहीं पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस जो बीजेपी के कार्यकाल में, जो सरपंच के कार्यकाल में जो कार्य किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय हैं। एक गांव के लिए बहुत ही खुशहाली का प्रतीक है कि नोहरा गांव में जो इस वक्त है पावर हाउस है। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरे सामने बिल्कुल ठीक सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये स्टेडियम की जमीन, स्टेडियम है इस गाँव का, और इसको ये जो बाउंड्री है इसको पूरी तह से पक्की करवाई गई है, दीवार यहाँ पे इसके चारों ओर दीवारें बनाई गई है। और इसी के साथ इसमें जो है मतलब कि वॉशरूम जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आकर जो स्टेडियम, यहाँ पे किसी भी गांव में जो होता है कि गांव के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि गांव में स्टेडियम होना हो चाहिए, लेकिन स्टेडियम की हालत भी कुछ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे आकर खेल सके। तो ऐसे इसीलिए जो स्टेडियम है उसका जो कार्य अभी चल रहा है। और ये जो गाँव है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो स्टेडियम है अभी इसमें क्या क्या कार्य बाकी है। देखो, स्टेडियम के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख का ग्रांट आया था, और उस ग्रांट से जो हमारे दो तरफ की ये 6 किलो में स्टेडियम है, दो तरफ की 4 दीवारी हो चुकी है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है यहाँ पे, और बाकी हमने अर्जी लगाई हुई है ग्रांट के लिए, बाकी और ग्रांट आ जाएगा तो हम इस स्टेडियम का कार्य पूरा करवा देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सरपंच और उसके ससुर हवा सिंह का कहना है कि कुछ गिनती के लोगों ने उनकी ख्याति को खराब करने के लिए उन पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए। इसके बाद जांच हुई जिसमें वह पूरी तरह से निर्दोष साबित हुए। अभी तक हमने आपको दिखाया कि पूरा जो गांव है नोरा वो पूरी तरह से पक्का बना हुआ है, वहाँ पर हमने आपको दिखाया, स्टेडियम दिखाया, पावर हाउस दिखाया और सभी विकास कार्य हमने आपको दिखाए। और अब उसी से बातचीत करने के दौरान हमारे साथ जुड़ गई हैं गांव नोहरा की सरपंच सरोज जी, और अब हम उनसे जानते हैं कि आपको, आप सरपंच बनी हैं उसके बाद से लेकर आपने अब तक जो काम किए हैं उसको लेकर आप इस समय गांव वालों को क्या कहना चाहती हैं। मैं गांव नोहरा से सरपंच सरोज बोल रही हूं, और गांव वालों ने जो मुझे सरपंच बनाया उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, और उन्होंने मुझे इस गांव में सरपंच बनाकर कार्यों के लिए जो इस पद पर नियुक्त किया है, तो मैंने उन कार्यों को पूरी लगन से किया है, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैंने ना किया हो।
जो वादे मैंने किए थे वो तकरीबन पूरे किए हैं मैंने। और इस गांव में मेरे खिलाफ़ जो भी गांव वालों ने, अपोजिट पार्टी है उसने मेरे खिलाफ़ जो भी वीडियो बनाकर 4 करोड़ का गबन का इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल गलत है। और जो भी पैसा मिला था ऊपर से हमने सब लगाया है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं हमने किया जो गलत हो। और जितने पैसे सरकार से आए थे तो हमने अच्छे कार्यों में लगाए हैं। वो नहीं, उससे पहले हुए हैं विकास कार्य जो भी हुए हैं, पहले हुए हैं उससे वीडियो से। लेकिन कुछ लोग हैं जो पार्टीबाजी गांव में कर रहे हैं, उन्होंने हमारे को बदनाम करने के लिए उस चैनल वालों से बात करके हमारी कोई, उन्होंने दूसरे चैनल वालों ने कोई हमारे से पूछताछ नहीं करी ना हमारे पास आए। वो अगर हमारे पास आते तो हम अपना पक्ष रखते, भाई हमने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। लेकिन हमको बदनाम करने के लिए ये लोग खामखाई, ये एक स्टंटबाजी है इलेक्शन के लिए, भाई अगला इलेक्शन कौन लड़े ना लड़े इसलिए कर रहे हैं। अभी भी कुछ जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही थी, जिसमें हमने देखा था कि जैसे स्टेडियम है वहाँ पर सड़कें, वो जो दीवारें हैं वो बन गई है लेकिन उसके अंदर अभी कुछ काम बाकी है। वहीं जो आसन कला साइड जो रास्ता जाता है उसमें थोड़ा सा जो सड़क है वो रुकी हुई है, वो अभी जैसे काम चल रहा है, तो ये काम कब तक हो जाएंगे? काम ऐसा है मैडम, जैसे आसन वाली सड़क है लॉकडाउन की वजह से पूरी नहीं हो रही, यानी अब तक तो ये पूरी हो जाती। और रहा स्टेडियम, मंत्री जी ने जो ग्रांट दिया है, मंत्री जी ने 10 लाख हमारे को दिए थे, हमने 12-13 लाख का उसमें काम करवा दिया। उसमें बैंक वो नलका लगवाया, एक ट्यूबवेल लगवाया और लैट्रिन बाथरूम बनवाए हैं और 2 दीवारें निकल चुके हैं। जितना पैसा होगा उसी हिसाब से काम करेंगे। ज़्यादा पैसा तो हमारे पास नहीं होगा तो हम अपने घर से तो लगाने से रहे, जो पैसा आएगा सरकार देगी हम उसको लगाने लग रहे हैं। बैंक का टाला है उसमें 17 लाख रुपए आए हैं और हमने 13.5 लाख का काम कर दिया, 3.5 लाख रुपए बकाया। अब उसमें लेंटर लगना है, 12-13 लाख रुपए लगना है लेंटर में, लेकिन इतना पैसा हमारे पास नहीं है पंचायत के पास। पंचायत के फंड में हो तो हमें क्या दिक्कत है हमने लगाने की, जब पैसा आएगा तो मैडम जी ज़रूर लगाएंगे, ऐसी कोई बात। तो इस वक्त ये थे हवा सिंह जी, मौजूद थे हमारे साथ और इन्होंने बताया कि जितना भी ग्रांट का जो पंचायत के लिए जो पैसा आया काम करने के लिए, उस पैसे को लगाया गया है किसी तरह की जो घोटाले की बातें हुई है इन्होंने उन्हें पूरी तरह से जो है खारिज किया है। वही इन्होंने कहा है कि RTI लगाई गई थी उसमें भी पूरे तरीके से, RTI लगने के बाद भी पूरे तरीके से जो जाँच है वो पूरी तरह से सही निकली थी, कहीं से कुछ भी गलत नहीं था। इसीलिए ये जो अभी भी यहाँ पर इनका जो काम है इसी वजह से चल रहा है।